दोस्तों AICTE ने पिछले कुछ दिनों से इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड बहुत से चेंजेस किए हैं, जैसे कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को इंजीनियरिंग का एज अ कोर सब्जेक्ट ना रखना, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल कर देना और भी बहुत कुछ। तो इसी लाइन में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। इस डिसीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग परस्यू करने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, IoT, ब्लॉकचेन एक्सेट्रा परस्यू करता है और उसमें अलग से क्रेडिट गेन करता है तो उसको BTech ऑनर्स या BE ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। AICTE ने अभी नए सेशन के लिए इंजीनियरिंग की स्टडीज को लेकर गाइडलाइंस रिलीज की हैं। इसमें स्टूडेंट्स को रेगुलर कोर्स के साथ साथ कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने का चांस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग से BE या BTech परस्यू कर रहा है और उसके साथ साथ रोबोटिक्स का एड ऑन कोर्स भी परस्यू कर रहा है, अगर उसको उस कोर्स में 18 क्रेडिट्स मिल जाते हैं तो उसको BTech ऑनर्स या BE ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी, जिससे उसके एम्प्लॉयमेंट में उसके चांसेस बढ़ जाएं। AICTE ने टोटल 39 एड ऑन कोर्सेज चूज किए हैं जिन्हें स्टूडेंट अपने रेगुलर कोर्स के साथ परस्यू कर सकते हैं। साथ ही AICTE ने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को भी इन कोर्सेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा है, बिकॉज इनमें से ज़्यादातर कोर्सेज की डिग्री नहीं होती है और बहुत ही कम इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो ये सारे कोर्स ऑफर करते हैं, और ऐसा करने से AICTE इंजीनियरिंग के फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहती है। अब बात करते हैं उन सभी एड ऑन कोर्सेज के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और IoT, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ सिस्टम इंजीनियरिंग, GIS एंड रिमोट सेंसिंग, सिविल इंजीनियरिंग के साथ सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, कोस्टल एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, स्मार्ट सिटी इंजीनियरिंग, अंडरग्राउंड स्पेस यूटिलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। केमिकल इंजीनियरिंग के साथ वेस्ट टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के साथ जेनोम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ 3D प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंक्लूडेड हैं। तो गाइज, ये थे कुछ एड ऑन कोर्सेज जो कि AICTE ने चूज किए हैं जिससे स्टूडेंट्स को ऑनर्स की डिग्री मिल सके। तो AICTE का ये एफर्ट्स आने वाले इंजीनियर्स के लिए काफ़ी सही साबित होने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है इस मैटर पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, और अगर आपको ऐसा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।